बैक करके ये छाता के नीचे मैं हूँ और जब से आया हूँ दोस्तों तब से बारिश ही बारिश हो रहा है। मान के चलिए दोस्तों देखिए हम लोग दही खाली हैं, काफ़ी ठंडा लग रहा है और हवा चल रहा है। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों देख सकते हैं स्कॉर्पियो गाड़ी आया दुकान घर पर और हम लोग कहीं निकल रहे हैं दोस्तों। तो रास्ते पर आप लोग को वीडियो में दिखाते हुए चलिए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं आया हूँ जीजा की स्कॉर्पियो में बैठा हूँ और हम लोग 5 लोग चल रहे हैं और इधर देख सकते हैं जीजा चला रहे हैं, भैया आगे हैं, मैं भीम अर्जुन का दो सुग्रीम है, हम लोग तीनों साथ में देख सकते हैं बैठे हैं। तो देखिए कब तक देखिए मौसम ख़राब चल रहा है और बारिश होने का संभावना है। तो इसी रात हम लोग निकल रहे हैं और गांव से बाहर निकल गए हैं। देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं मनौली के एक तरफ और सामने आप लोग देख सकते हैं ये शिव मंदिर है मनौली का, जो यहाँ पर शिवरात्रि का मेला लगता है। देख सकते हैं सामने है जय हो भोलेनाथ। और हम लोग आगे बढ़ते हुए इसी बंधे के रास्ते हम लोग निकल रहे हैं। अब हम लोग करीब करीब पहुँच चुके हैं बंधे पर। पुल के पहले आप लोग देख सकते हैं बंधा है जो कलानी और सिंघाड़ा बांध को जोड़ता है और ये सगौड़ा भी को जोड़ता है और इसी रास्ते से देख सकते हैं ये पुल है सगौड़ा पुल बना है, घूम के जाना पड़ा है। इसी रास्ते हम लोग देख सकते हैं सगौड़ा पुल को। देख सकते हैं नदी काफ़ी यहाँ बगल में चिता भी चुका जाता है, लाल चुका चुका जाता है। देख सकते हैं काफ़ी शानदार नज़ारा है और देखिए बादल लगा है काफ़ी तेज से और देखिए कहीं बारिश ना हो जाए। अभी हम लोग रास्ते में अभी कुछ समय लगेगा पहुँचने में। ये भी रोड जैसा सभी ख़राब हो चुका है, पुल पर जगह जगह गिट्टियाँ निकल गई हैं। देख सकते हैं पुल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और ये सभी इधर रास्ता बन गया दोस्तों। पुल भी बाहर देख सकते हैं हम लोग बंधे के नीचे आ गए हैं। इधर देख सकते हैं ये दोस्तों देख सकते हैं बारिश शुरू हो चुका है, अभी अभी बारिश शुरू हुआ है और तेज़ी से बारिश होना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं हम लोग आ गए नई बाज़ार पहुँच चुके हैं दोस्तों। काफ़ी तेज़ से बारिश हो रहा है। इधर देख सकते हैं ये नई बाज़ार है, काफ़ी यही रास्ता चौड़ी चौड़ा निकल जाएगा और हम लोग साइड से मिलेंगे। अभी हो सकता है कुछ मीठा उठा लिया जाए, फल लिया जाए। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को बात करिए और प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे प्यार मोहब्बत बराबर बनाए रखेंगे। तो दोस्तों आप जब हम लोग नई बाज़ार आए हैं सामान लिया जा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ आने वाले थे। देखिए आदित्य मौर्य आखिया मुडले हो तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पड़ड़ी गांव है। तीन दो तल्ला पाया हूँ, इधर देख सकते हैं ये सब है सोनी का घर है। इधर देख सकते हैं पड़ड़ी गांव। जब से हम लोग घर से चले तब से बारिश ही हो रहा है। फिलहाल देख सकते हैं सब। मैं दो तल्ले पर से वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी रास्ते फिर मैं नीचे चल रहा हूँ। बारिश हो रहा है देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग रुके हैं। आओगे ना जगाओ अपन ऊपर जगाओ जगाओ पर जल्दी जगाओ पर आ गया पकौड़ी। तो पकौड़ी ठंडा हो रहा है पापा, ठंडा जाए खा लो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सोनी का घर है। अभी देखिए सफाइया हो रहा है। इधर देख सकते हैं इधर भी एक रूम बन रहा है। आइए देखिए गैलरी है, गैलरी साइड में ये रूम है। इधर देखिए आदित्य घूम रहा है। ये देखिए आदित्य का दीदी का किचन। आदित्य ये किचन कैसा है? तुम्हारे जैसा है किचन? छोटा है बड़ा है? किचन कैसा है? बड़ा है। बड़ा है। तो दोस्तों देख सकते हैं 3 खाने का किचन है। इधर देख सकते हैं पूरा एरिया है। ये जहाँ तक घेरा गया है वहाँ तक है। साइड 2 बीघा का एरिया है। यह 60 बासठ चाचा लोग हैं। इतना अंदर का काम ना आए तो बनू नहीं पाओ। नीचे बगल में हम लोग रह रहे थे। इधर आए नया रूम बन रहा है 3-4 दिन का। ये किचन है, हो गया फर्स्ट क्लास किचन, काफ़ी अच्छा किचन है। चलिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ। मैं पहली बार आया हूँ सोनी के साथ। अभी 1 महीने बाद शादी है। इधर देख सकते हैं मैं अब बाहर निकल रहा हूँ। इधर देख सकते हैं चलिए मैं बाहर आ गया हूँ। आप लोग देख सकते हैं सामने हम लोग छत पे आए हैं। देखिए चले गए, हम अकेला ही हूँ। देखते हैं सामने का जो घर है वो भी खुशबू का, वहाँ पर शादी हो रहा है। इधर देख सकते हैं मैं छत पर पूरा वीडियो आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देख सकते सामने आम है, काफ़ी फूल दिया। इधर देख सकते हैं उधर देखिए लहसुन है, प्याज है, धनिया है, सब कुछ है। इस पर देख सकते हैं सब कुछ बोया गया है। करीब 3 घंटा हो गया आए हुए हम लोग। घर से चला था तो बादल लगा था, बारिश नहीं हुआ था, और अब बारिश पटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इधर देख सकते हैं आम, पीछे आम का पेड़ है। यहीं पर सोनी का शादी हो रहा है। आज पहली बार मैं घर यहाँ पर आया हूँ जहाँ सोनी का शादी हो रहा है, और 1 महीने बाद शादी है दोस्तों। तो कमेंट करिएगा कैसा घर लगा लो। फिलहाल मैं छाता के नीचे, तो चलिए दोस्तों हम नीचे चला जाता है। तो ये ऐसे सीढ़ी नीचे चला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मसाला बनाया जा रहा है। ये देखिए वहाँ सोनी का हस्बैंड, यानी कि हमारे दामाद, ये सामने जगह वो दिख रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोग निकल रहे हैं इसी रास्ते। सामने देखा था गाड़ी खड़ी है हम लोगों का। ये है खुशबू का घर देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक दिन आया जाएगा। ये देख सकते हैं। ऐसा गाड़ियाँ निकल जाए ना, गाड़ी में लोग तो फ्रेंड चलिए हमारे घर पे आइएगा। आप देख सकते हैं गाड़ी को बैठ किया जा रहा है। अभी सीधा तुम्हारी निकल देखते हैं अब पहुँचते हैं घर। करीब हम लोग 3 घंटे बाद जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 11 बजे पहुँचे हैं और देखिए 2 बज गया है। और देखिए गाड़ी को घुमाया जा रहा है। दोस्तों देखिए क्या लीला हो गया है। गाड़ी धंस गया है बारिश में। बैठ जा यार, आओ बैठने निकल जाए। दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी धंसा हुआ है। देखते हैं निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है। पिछले 1 घंटा से हम लोग फंसे हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी नीचे ऊपर बारिश हुआ था, स्कॉर्पियो नीचे हम लोग लेकर आ गए। इसमें धंस गया, निकल ही नहीं रहा है। इसी में बैठे हैं। अब ट्रैक्टर आ रहा है, उसी से निकाला जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, तो आराम से निकाल दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। फिलहाल सब कोई देख सकते हैं जूता क्या हाल हो, सब कचरा ही कचरा है। पीछे भी कचरा है। ये सोनी का गांव है दोस्तों, यही बसारी हो रहा है आज। आप पीछे देख सकते हैं। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। देख सकते हैं नरक हो गया है हम लोगों का। आदित्य तो दोस्तों चलिए देख सकते हैं हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से। ये देखिए भीम क्या कर रहा है, नया नया जूता पहन के इसको सफाइया कर रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बाय बाय बोलो, बाय बाय, बाय बाय बोल दो, बाय बाय, बाय बाय बोलो। दोस्तों निकल रहे हैं। अभी अभी पहुँचा, 3 बज गया है। 3 क्या 3:30 हो गया समय। तो अभी जा घर पहुँचा हूँ दोस्तों। भास हो गया था, देख सकते गाड़ी का क्या हाल हो गया। तो चलिए दोस्तों एक नए ब्लॉग में फिर से मिला जाता है। तब तक के लिए बाय बाय।